मैं केवल कोर्ट मेंबर होने के नाते से जो कोर्ट की मीटिंग होती है एएमयू के अंदर उस बैठकों में मैं जाता हूँ। उसके अलावा कोई भी एएमयू प्रोग्राम करता है, सर सैयद ने मनाया था एक बार, उसमें मुझे इनवाइट किया था, उसके बाद आज तक एएमयू ने नहीं बुलाया और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। देखिए मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, एएमयू का जो प्रशासन है उसकी ये मानसिकता बन गई है कि देश विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो भी बोलेगा उसमें छात्रों के माध्यम से उसको मैं एएमयू में आमंत्रण किया जाता है, निमंत्रण देने के बाद उसमें इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खाली मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एएमयू के बीसी को और वहां के प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जिन बच्चों ने ये कृत्य किया है कि चंद्रशेखर रावण आने पर इस तरह के नारे लगाए हैं, ये एएमयू के बच्चों की मानसिकता को दर्शाता है और एएमयू के प्रशासन की जो कार्रवाई करने की क्षमता है, जो बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको सह दी जा रही है, ये उसे भी दिखाता है। अभी समय बहुत नजदीक है, जैसे ही मैं शपथ लूंगा मैं बीसी को अपने अधिकार के तहत दिल्ली बुलाकर इन सभी बातों का जवाब पूछूंगा। और जो आज आपके द्वारा जिस नारे की चर्चा की है देश के प्रधानमंत्री के पिता के लिए अपशब्द बोले गए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो छात्र हो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं कोर्ट मेंबर होने के नाते, अलीगढ़ का सांसद होने के नाते से यह कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर एएमयू नहीं सुधरा तो मैं सुधारना जानता हूं, अलीगढ़ में एएमयू है, अलीगढ़ के एएमयू को सीधा करना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं लास्ट में पुनः आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरह की गतिविधियां एएमयू में चल रही शिक्षा संस्थान में वो नहीं चलनी चाहिए, तत्काल बंद होनी चाहिए। अगर एएमयू में सुधार नहीं आया तो सुधार करना मेरी ड्यूटी बन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।